असलकम जी आज मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करना है इन दी सेंस कि काफ़ी अरसे से मैं ये चीज़ सोच रहा था यानी कि ये चीज़ सोच सालों पे मुहित है कि क्या वजह है कि नौजवानों और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिसमें मुझे भी आप शामिल कर लें उनकी सोच में फ़र्क क्यों आता है यानी कि मैं तब भी आ, सोच रहा था कि जब मैं नौजवान था और अब मैं सोचूं जब अब भी जो है मैं नौजवानी पीछे छोड़ आया हूँ तो इस सोच में फ़र्क क्या होता है क्यों नौजवान जो है वो डिफरेंट एंगल से सोचता है और बुज़ुर्ग डिफरेंट एंगल से सोचते हैं और जो बुज़ुर्ग होता है वो भी कभी नौजवान हुआ होता है वो भी उस एंगल से सोच रहा होता है लेकिन उसमें जब वो बुज़ुर्गी के अदवार में जाता है तो डिफरेंट एंगल से सोचते हैं Uh, करते कराते मुझे जो चीज़ समझ आती है uh, आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है एक्चुअली होता यह है कि जो एक बुज़ुर्ग बंदा है ना मैं बुज़ुर्ग से ये लूँगा जो कि अपनी जवानी को पीछे छोड़ गया हुआ है और उधेड़ उम्र और बुज़ुर्गी आगे तक आप समझ लें वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेता है आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल लाइक कि जिस तरह बच्चा होता है ना जब आप बच्चा होता है तो क्या होता है टूथब्रश के लिए भी वो बड़ा इन ईगर होता है कि जी मैंने टूथब्रश करना है जब बच्चा छोटा सा होता है और वो दांत निकलते हैं और इस एज में आता है आप समझते हैं कि इसको ब्रश करने चाहिए दांतों को तो वो बड़ा होता है कि मुझे ब्रश दें मैंने करना है मैंने खुद करना है चीज़ों को वो खुद करता है जो कि आप लोग जो कि बड़ा बच्चा आप समझ लें दस साल का बच्चा टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ कर लें तो इसी तरह यही होता है यंग लोगों के लिए चीज़ें नई होती हैं बुजुर्ग लोगों के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो रेपिटेटिव हो चुकी होती हैं वो उससे एक कंक्लूजन एक तरह से निकाल चुके होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा बुरा कंक्लूजन निकाल चुके होते हैं उन्हें पता चल चुका होता है अब जिस तरह हम यंग थे तो हम ये समझते थे कि जी हम इतनी मेहनत करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा हम ये करेंगे तो ये हासिल हो जाएगा पर जब हम सारा एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना लाइफ को तब पता चलता है कि इट्स नॉट लाइक टू प्लस टू ये बड़ी बज़ाहिर छोटी सी चीज़ें लगती हैं पर कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कभी कभी आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं जो कि आपके जवानी में आपने क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता इस वजह से आपको लगता है कि जनाब साहब आपके कंट्रोल में पर इस तरह नहीं होता आपके हाथ में नहीं कई चीज़ें होती पर वो जवानी की इतनी ताकत और वो मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त होनी चाहिए वजह ये होती है कि जवानी में कई चीज़ें होती हैं आप समझ लें कि आपको ना पता हो ना तो वो बेहतर होती हैं जब आपको नहीं पता होती ना तो आप अपनी खुद से कुछ करने की कोशिश करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि यार ये चीज़ इतनी बार फेलियर मुझसे पहले लोग हो चुके हुए हैं इस काम में पर फिर बंदा दोबारा करता है माइट भी वो किसी और सोच से वो कामयाब हो जाए उस मौके पे तो ये बिल्कुल पॉजिटिव मैं समझता हूँ ये चीज़ है नौजवानों में होती है कि वो उन्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता तो ये भी एक तरह से पॉजिटिविटी है लेकिन यही चीज़ नेगेटिविटी भी बन जाती है कि अगर आपकी मच्योरिटी साथ नहीं होती अब लाइक के जिस तरह आपको नौजवान जो आज का ज़रा असो कोल्ड सियासत में अपने तरफ से समझ रहे हैं कि वो सियासत में उनको शूर है वो ये है कि एक्सपीरियंस की लैकिंग है उन्हें हिस्टोरिकली चीज़ों का नहीं पता एग्रेसिव है मैं आपको बात बताऊं कि ये जो इस वक्त हम यूथियों को फ़ेस कर रहे हैं ये सेम इसी तरह की क्लास भुट्टो के दौर में भी आई थी तब भी लोगी बात है तंग आए हुए थे उन्होंने एक नया वलवला मिला एक नया जज्बे के साथ आए कि जी चीज़ें चेंज होंगी अब उनसे पूछें तो आपको मुख्तलिफ आपको वो बातें बताएंगे बन उसके कि जब वो एक्सपीरियंस कर रहे थे तो नौजवानों के लिए जो है ना ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं कि वो पॉजिटिवली पॉजिटिवली डायरेक्टेड हों और जो बुज़ुर्ग हैं वो क्योंकि इन चीज़ों से सब फेस कर चुके होते हैं वो एक कंकलूसिव एविडेंस की तरफ़ जा चुके होते हैं इस वजह से उनके लिए ये चीज़ चार्मुल नहीं रहती आपको मैं एग्जांपल देता हूँ फॉर एग्जांपल बचपन में हम आ, हमारे दौर में आ, ब्लैक एंड वाइट से रंगीन दौर प्लस रिमोट कंट्रोल आया तो बच्चे जो थे ना वो रिमोट कंट्रोल जो चला लेते थे बड़े बड़े कहते थे वाह मेरा बच्चा तो बड़ा रिमोट कंट्रोल में वो बड़ी बात होती थी कि जी रिमोट कंट्रोल चला लेते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो जानने की कोशिश करते हैं दे वॉन्ट टू नो दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स बड़ों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता जी ठीक है ये टी वी है टी वी लग गया ना इट्स ओके अब हम उस एज में थे कि जब हम ये एक्सप्लोर कर रहे थे लेकिन अब क्या हो रहा है अब हम उन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो चुके हुए हैं वो अक्सर होता है ना अक्सर बच्चे कहते हैं ओ अबू दादा बू आपको तो चीज़ों का पता ही नहीं असल में वो ये नहीं होता कि वो पता नहीं कर सकते इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है लाइफ के जो सोचने के एंगल है ना वो डिफ़रेंट हो जाता है आपको फिर एक ख़ास तौर पर मुस्लिम आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार आपने पिछली लाइफ में क्या बोंगियाँ मारी हैं क्या टाइम वेस्ट की है ये लाइफ तो है ही नहीं जो जो हम समझते थे यानी कि जिस तरह आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम अपने बच्चों के जहन में क्या डाल डालते हैं बड़ी गाड़ी ब, बंगला जॉब तो ये चीज़ें ये भी होना चाहिए तो बाद में फिर एहसास होता है जिस तरह माइक टाइसन है वो कहता है कि ये जो मैंने सारे मेडल्स हासिल किए हैं इतनी जो बेल्ट्स हासिल किए हैं कहता है वेस्ट है सारे की सारी वजह क्या है ठीक है उसने उस दौर में वो एक जो क्रेज़ था लेकिन अब जो सोच है कि ये ये सब चीज़ें चली जानी हैं इसका कोई वजूद नहीं रहना अगर इंसान दूसरे काम इंसान के काम नहीं आ सकता तो इसका मतलब है कि उसने सब कुछ ज़ाया किए हमें तो ये बताया जाता है ना कि अपनी ज़ात के लिए करते जाओ तो ये फ़र्क है सोच में मैं ये नहीं कहूँगा जो नौजवानों की सोच है वो अपनी जगह पे ज़रूरी है एनर्जेटिक होनी चाहिए लेकिन वेल डायरेक्टेड होनी चाहिए हमारी कॉम का मसला यह हुआ है कि हमारी सोचें वेल डायरेक्टेड नहीं हैं लिमिटेड आपकी रिसर्च है लिमिटेड आपकी जनरल नॉलेज है लिमिटेड आपकी हिस्टोरिकल फैक्ट से शनासाई है उसकी बेस पर हम मैं भी बोंगो की तरह बातें करते रहते हैं ठीक है इट विल टेक टाइम मैं अक्सर ये बात कर रहा होता हूँ कि मोस्टली अगर आप देखें गोरों को ये तो नहीं है कि हंड्रेड परसेंट वो उनके भी वही अपने भी मसले हैं कि उनको पता होता है सेवनटीन एटीन नाइनटीन येयर्स की एज में कि वो उन्होंने करना क्या है हमारे यहाँ पे अबू जी लेके जा रहे होते हैं जॉब दिलवाने के लिए भी ये मैच्योरिटी का आलम है तो जब मेच्योरिटी का ये आलम होगा तो फिर वो थिंकिंग और उस थिंकिंग की वजह से जो अल्फाज वो अदा करेंगे जो डिस्कशन करेंगे आप उसका लेवल भी देख सकते हैं तो ये जो है इसमें माइट भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो सही तौर पे नहीं बता सकते कि अक्सर वो इग्नोर करते हैं इस तरह की बातों को नौजवानों की जब वो कहते हैं अबू आपको तो पता ही नहीं अबू दादा वो आपको तो पता ही नहीं है अम्मी आपको पता ही नहीं है वो इग्नोर करते हैं पर ये बताना चाहिए चाहिए अपने बच्चों को भी नौजवानों को भी इट्स नॉट लाइक दिस सब चीज़ें उन्होंने देख ली होती हैं आप जिनके पीछे भाग रहे होते हैं ना आप जिस बच्चा मोटरसाइकिल चलाना सीखता है न, नया नया तो वो उसके दिन में सिर्फ यही होता है कि जी मैं ये चला लूँगा तो मैं मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा तो ठीक है उसकी एनर्जी होती है लेकिन जो ब, ब, चला चुका होता है वो अक्सर कह रहे होते हैं कि मुझे ना ही चलानी पड़े तो ये चीज़ें आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसी तरह सोचते हैं या डिफ़रेंटली सोचते हैं कि ये फ़र्क क्यों है क्या यही वजह है अल्लाह हाफिज़